Assalamualaikum and very good morning, my little Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm sure कि आप आपकी टीचर, आपकी कोऑर्डिनेटर मिस नॉरिन का वेट कर रहे होंगे, because today is Witness Day. आज बुध है और बुध को हमारी उर्दू की क्लास होती है और उर्दू की क्लास में आप Oxfordians बहुत ज्यादा enjoy करते हैं. एंजॉय तो इंग्लिश में भी बहुत करते हैं, मैथ्स में भी बहुत करते हैं, बट 100% मुझे रिस्पॉन्सेस जो हैं वो उर्दू की क्लास में आते हैं. तो फिर उर्दू पढ़ाने में मुझे भी बहुत मजा आता है. और बैकग्राउंड देख के आपको अंदाजा तो हो रहा होगा कि आज का जो हमारा नया अल्फाबेट है, हरूफ तहज्जी है, वो है अलिफ मन. उसके बारे में ये भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ कि क्लास के बाद प्लीज मुझे रिस्पॉन्स जरूर किया करें, बिकॉज जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और वो टीचर उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हैं कि देखिए अभी टीचर ने पढ़ाया है, और उसके बाद वो फौरन से रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आंसर्स करते हैं टीचर की बात का. टीचर जो पूछती हैं वो बताते हैं, जो नहीं समझ आता वो पूछते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. तो साथ साथ मैं आपको बुक का भी काम बताती जाती हूँ क्या क्या करना है, और अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि पता चले कि हमें करना क्या है आज. जी Oxfordians, ये है हमारी बुक लर्निंग स्टार्स उर्दू, और डेट भी मेंशन की हुई है स्लाइड पे जो कि आपको नजर आ रही है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. लास्ट क्लास में, वेडनेसडे की क्लास में, बुध की क्लास में हमने हरूफ तहज्जी, अलिफ की बनावट, उसकी शक्ल, उसकी कहानी और उसे बोलना किस तरह से है, ये सब सीखा था. अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अमरूद और अलिफ से अनार, इसका हमने कॉपी बुक किया था. आज हमारे पास न्यू हरूफ तहज्जी, इट्स 90% रिलेट टू अलिफ से. ये समझे, अलिफ का बड़ा भाई, वो अलिफ का बहन, ये भाई है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उससे. वो अलिफ एक सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन है, और इसमें इसके ऊपर अलिफ मद है. तो अलिफ की फॉर्मेशन तो आपको बनानी आती है. अलिफ मद की साउंड कैसे निकालेंगे? अलिफ मद अ, अलिफ मद अ से अलिफ मद अ. Everyone say alif mad a, alif mad a, a ki sounding, ठीक है, alif mad a, ये sound लिखिए. अब इसे लिखना किस तरह से? बिल्कुल simple. Start from the top, go down with standing line. सीधी line के साथ आपने alif लिखी. अब alif mad, mad इस पे कैसे बनाएंगे? देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कॉर्नर, गो डाउन, मेक अ लिटिल कर्व एंड गो डाउन. क्या करना है आपको? टॉप से स्टार्ट करना है, अलिफ जो बनाया है डिस्टेंस रखिए उसके टॉप से स्टार्ट करके. मैं आपको डॉट लगा के, बुक में भी डॉट लगेगा, ठीक है. यहाँ स्टॉप से, टॉप से स्टार्ट करना है, नीचे की तरफ जाना है, थोड़ा सा कर्व लेना है और फिर कर्व लेना है और नीचे आ जाना है. इसे क्या कहेंगे? अलिफ मद. मैं आपको बुक दिखाती हूं, आपकी बुक में भी अलिफ मद बहुत सिंपल बना हुआ है, आपको इजीली आ जाएगा. बैक पर भी देख सकते हैं और ये देखिए अलिफ मद. चलो ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. एक्सपीरियंस होल्ड पेंसिल, पेंसिल होल्ड किया. मैं आपको स्क्रीन पे समझा दूँ किस तरह से करना. स्क्रीन शेयर करते हैं. जी, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, गो डाउन विद स्टैंडिंग लाइन. स्टार्ट करना टॉप से और बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नीचे आना है. It's अलिफ. अब मत डालना है, मत को अलिफ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है और स्टार्ट करना है, नीचे थोड़ा सा कर्व लेकर आना है. जब डाउन पर आना है तो अगेन थोड़ा सा कर्व ले. ये हो गया मत.
अलिफ मद अ, साउंड निकाले अलिफ मद अ। अब हम हरूफ़े तहजी में जो हमारा दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड था अलिफ और सेकंड वर्ड है अलिफ मद, अलिफ मद अ, अलिफ अ, अलिफ मद अ, आ की कहानी आपको सुनाई जाए, ठीक है? अलिफ मद आ की कहानी क्या है? ओ, अलिफ से आपा, आपा घर से बाहर सहन में निकली तो उन्होंने देखा कि अलिफ से अलिफ मद आ से आसमान पर बहुत खूबसूरत बादल दिख रहे हैं, यानी कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अलिफ मद आ से आपा, अलिफ मद आ पे अलिफ पा, आपा। तो अलिफ मद की कहानी सुना रही हूँ। तो सारे वर्ड्स जो इसमें आएंगे वो अलिफ मद से होंगे, ठीक है? किससे होंगे? अलिफ मद से। अलिफ मद आ पे अलिफ पा, आपा। आपा घर से बाहर निकली तो उन्होंने अलिफ मद आसमान पर देखा, अलिफ मद आ सीन में अलिफ नून गुन्ना आसमान, उन्होंने आसमान पर देखा कि मौसम बहुत प्यारा है। आपा भागती हुई किचन की तरफ आई, कमरे की तरफ आई और उन्होंने सोचा कि अलिफ मद से आलू, आज तो आलू के चिप्स खाने को दिल कर रहा है। अलिफ से आपा, अलिफ मद आ पे अलिफ पा, अलिफ मद आ से आपा, अलिफ मद आ से आसमान, अलिफ मद आ से आलू। आपा ने देखा आसमान पर कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो उन्होंने कहा आज तो आलू, अलिफ मद आ से आलू के चिप्स खाने को दिल कर रहा है। इतने में बाहर गली से आवाज आती है, अलिफ से आम ले लो, अलिफ से, अलिफ मद आ से आम ले लो, अलिफ मद आ से आड़ू ले लो। देखिए सारे वर्ड्स किससे आ रहे हैं, फल के नाम अलिफ मद आ से, ठीक है? अलिफ मद आ से आलू ले लो, अलिफ मद आ से आम ले लो, अलिफ मद आ से आड़ू ले लो, अलिफ मद आ से आलू बुखारा ले लो। ये जो देख रहे हैं ना आप, रेड़ा है, एक साइकिल है, साइकिल ही आपने देखा होगा, फोर व्हील्स वाला रेड़ा होता है, उसके ऊपर जो है वो फल पड़े हुए हैं और वो कह रहा है अलिफ मद आ से आड़ू ले लो, अलिफ मद आ से आम ले लो, अलिफ मद आ से आलू बुखारा ले लो। अलिफ मद आ से आमना, अब आमना भागती हुई अंदर गई घर में, किचन में, और अपनी अम्मी से कहा अम्मी बाहर अलिफ से आलू, अलिफ से आड़ू, अलिफ से, अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आलू बुखारा मिल रहा है, मुझे ये सब चीजें लेनी हैं। तो उसकी अम्मी उसे लेकर बाहर गई खुशी खुशी और उससे आमना को, अलिफ मद आ से आमना को अलिफ मद आ से आम भी लेके दिए, अलिफ मद आ से आड़ू भी लेके दिए और अलिफ मद आ से आलू बुखारा भी लेके दिए। तो आमना की मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, जो जो आमना हमने मांगा आमना को लेके दिया। तो मजे की स्टोरी थी ना, अलिफ मद आ से आपा, अलिफ मद आ से आसमान, अलिफ मद आ से आलू, अलिफ मद आ से आड़ू, अलिफ मद आ से आलू आम, अलिफ मद आ से आलू बुखारा और अलिफ मद आ से आमना। ये थी छोटी सी अलिफ मद आ की स्टोरी जो कि आप ऑक्सफोर्डियंस को मुझे क्लास के बाद सुनानी है। ओके, एक बार दोहराई कर लेते हैं, कौन से वर्ड्स अलिफ मद आ से हमने याद किए हैं? अलिफ मद आ आपा, अलिफ मद आ आसमान, अलिफ मद आ आलू, अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आड़ू, अलिफ मद आ आलू बुखारा, अलिफ मद आ आमना। हाउ मेनी वर्ड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वाओ, वी लर्न 7 वर्ड्स। हमने अलिफ मद आ से 7 वर्ड्स भी याद कर लिए, यानी कि अलिफ मद आ की कहानी भी याद कर ली है। और अलिफ मद आ लिखना कैसे है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, ऊपर से थोड़ा सा कर्व लेके जाना है, फिर नीचे कर्व ले आना है, तो ये मद बन जाएगा।
और साउंड कैसे निकलेगी, अलिफ मत अ, अलिफ मत अ, ठीक है जी। अब ये देखें लर्निंग स्टार्स उर्दू में आपकी बुक पर एक काम किया हुआ है, पेज है पेज नंबर 8, अलिफ मद आ रे वाड़ू, रे और वाओ आड़ू, इसको आपने लिखना है अलिफ मद को, ठीक है। अलिफ मद आ मीन आम, आम अलिफ मद आ, आग, आग का भी आपको आ लिखना है। इन सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आड़ू आम और आग किससे शुरू होते हैं, अलिफ मद से। तो आपको क्या लिखना है, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ रू, अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आ, ठीक है। बहुत इजी काम है ये, आपको पेज करना पेज नंबर 8। पेज नंबर 9 पे अगेन अलिफ से क्या चीज आई हुई, पेंसिल फेरिए और देखिए और रंग भरिए, लिखिए और रंग भरिए। अलिफ मद आ लाम वालू, आलू, आलू में रंग भरना है। आलू किस कलर का होता है, येलो होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, जो भी होता है मेरे ऑक्सफोर्डियंस करेक्ट कलर कीजिएगा, ओके। आरी, आरी जिससे लकड़ी काटी जाती है, आरी। तो ये दोनों आलू और आरी भी किससे आएंगे, अलिफ मद से आएंगे। अलिफ मद आ लाम वालू आलू, आरी, अलिफ मद आ रे ये री आरी, बाय। ये भी बहुत इजी वर्क है, पेज नंबर 9, ये कीजिएगा मेरे ऑक्सफोर्डियंस। इसके बाद हरूफ को सही तस्वीर से मिलाइए। अब यहां पर है अलिफ और अलिफ मद, यहां पर है ये क्या चीज है, आलू है, सेब है, आड़ू है, मैंने नहीं बताना आप लोगों को क्या है, ये क्या अंगूर है, केले क्या है, ये क्या चीज है, हाँ ये तो सेब है ना, नो 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 नो, ये आम है, ये क्या अनार है, अंगूर है, अंगूर है, जो भी वर्ड्स अलिफ मद आ, आम आम से अलिफ मद आ से आएगा और अलिफ मद से क्या आएगा बताइए ना, अलिफ मद आ रे वाड़ू आड़ू, अलिफ मद आ मीम साके आ, अंगूर, अंगूर अलिफ से आएगा, अनार अलिफ से आएगा, टीचर ने करवा दिया। ये हमारी दूसरी बुक है वर्कबुक, वर्कबुक में देखिए बड़ा मजे का काम है, अलिफ से आदमी, अलिफ से आराम, आदमी जो है वो आराम कर रहा है, इसमें भी अलिफ मद आ की प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्रेसिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। अलिफ मद, ये देखिए ये अलिफ बनाएंगे और यहाँ से ये मद, बहुत इजी है, पेज नंबर 6 इंसर्ट। फिर ये है हर्फ अलिफ मद आ से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भरिए। अलिफ मद आ से क्या शुरू होता है, आम, अलिफ मद आ से क्या शुरू होता है, आग, अलिफ मद आ से एक लाइन टीचर ने बता दी, नीचे वाली आप खुद करें, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से ऑक्सफोर्डियंस हैं, मुझे पता है बहुत अच्छा काम कर लेंगे, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। जैसे ही काम कर लें स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पिक्चर लीजिएगा और टीचर को व्हाट्सएप पे शेयर करें, और 2 घंटे के बाद टीचर आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे उसके आंसर्स दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा, अलिफ मद आ की स्टोरी सुना, ठीक है, याद करनी शुरू कर दें, ओके, अल्लाह हाफिज।